सारी वाणन है और एक कहानी बताऊंगा बहू का साथ देने वाली सास की कहानी। पसंद आओ सब्सक्राइब करियो कमेंट करियो। एक परिवार मतलब एक एक बेटा था तो वह मतलब वो बेटा अपनी मर्जी ते पसंद करया है किसी ने शादी करने खातर। तो उसकी माँ तो यह सोचा थी कि भाई वो लाग लूग जाए पढ़ जाए नौकरी लग जाए उसके बाद में शादी करूँगी। लेकिन उसने कोई लड़की पसंद कर ली अपने आप है हाँ अरे उसके गल शादी कर ली उसने। माँ आके नहीं बोले मैं तो शादी करूँ तो उसके साथ करूँ नहीं तो करूँ ही नहीं। तो माँ सोची भाई नहीं मन ने तो कर ली हाँ करनी तो सही शादी तो कर ली शादी होगी दोनों की कुआ शादी मतलब धूमधाम ते शादी होगी। तो फिर वो सासू पूछने लगी उसने बहू ने आख तन इसमें के देखियो तन शादी क्यों करी है के साथ मतलब आपका बेटा की कहवा आख भाई ना तो नौकरी लग रही आ तन के कमाई खुआ होगा तन के सोच किया के साथ शादी करी। जिन्हें बोली मेरा तो रिश्ता बड़ा बड़ा नौकरी वाला काम था फिर मैं मन यू पसंद करया करता हूँ जिद मना की वार रखन खातर भाई आपको मन तो हाँ रखन खातर मना साथ शादी कर ली। ठीक तो वो अपने गाना गाम तो और हांडी जानी हुई ना तो वो पढ़े ना वो किम काम करे ना कोई अपन बिजनेस करे तो माँ बाप का नहीं चिंता तो रहे के कमा की इसने खुआओगो बिरानी दुखी करेगो। तो वह एक दूसरी पर हंसी मजाक करी जाती बात करी जाती रे ताना साहब मारी जाती लेकिन मजाक में वह उनका दे हंसती रहे खूब घर में लेकिन वो बिंद के में काम कौन करे सारा दिन हाँ वो गाना गाती हांडी जा फिर मतलब गते आवारा सो तो हो रहे थे वो फिर उसने आके न्यू कहने के मैं भी बिल्लो रानी सब कन मेरे दोस्तों कन फोन है ये स्क्रीन टच मेरे कन को नहीं और ना मेरे कन पैसा मैं कितने ले आऊँ तो वो आपका दो रद दे दी उन पैसा भाई माए जिस तरह पीर में चली गई किसी ने दे दी उन रुपया तो वह आपका जोड़ किधर रखा उसने इकट्ठा कर रखा तो वह फोन खातर दे दिया राजी हो गए फोन लिया है तो नहीं कहा तेरे खातर तो मैं कि मांगा गवाई चीज़ तैयार से मैं तन पसंद करूँ तेरे गल शादी होगी तो इन तन नीचे थोड़ी देखने दूंगी नहीं थोड़ी कुआऊँगी दोस्तों में भैया कन फोन को नहीं नौकरी ना है जिद के से फोन तो दोरे रख वह तो उसते इतना प्यार करे और वो अपने एक दिन आके नहीं बोलियो हाँ दाल दूंगड़ा वो उस कन तो ले जा और घर ना आवे जित बार बार कितना भी गल सरा उड़ावे। एक दिन आके बोलियो मेरे एक दोस्त की बाण है और उसकी शादी है तो उस खातर नया कपड़ा को नहीं भाई मेरा न्यू जी में सहमा उसने कुछ कपड़ा उपड़ा ले के दियो हाँ न्यू कौन देखा तू कमाओ तो कौन कितने ले के देगो हाँ लेकिन उसका न्यू किसका कन ऐसी वह ले जा या धर रही है ना नया कपड़ा वह ले जा हाँ तो वह न्यू बोली ठीक से मेरा नया सूट दरिया से अलवारी में बस सूट दे दूंगी तू ले जा तो वह लेके न वह सूट ले गई तो वो कदे कि मैं मांग करे कदे कि मैं मांग करे अरे उसने मतलब बना रखी कोई और भाई ली वो ले जा उसने दे दे हाँ उन दे दे। तो एक दिन आके न और तुम टमा ही मांग कर दी और पैसा ही करी तो उसने आपकी गुट्ठी दे दी बहू ने और तो अमेरिकन के मैं कौन भाई सूट भी दे दिया पैसा था वो फोन खातर दे दिया और के वहाँ नौकरी करे थी इतना बहुत जोड़ डा दे रहा था वो फोन खातर दे दिया अमेरिकन तो के मैं कौन तो नहीं कर मेरी अंगूठी सही ले जा तो वह अंगूठी दे दी उन तो दुमड़ा कत्ती के बार लागे थी करे शांता ही दुमड़ा उस हाँ अंगूठी हाँ तो वह सासू बोली सासू की निगाह चली गई अंगूठी में हाथ में तो बोलियाँ ये बातरी गुट्ठी किच है जिन्हें बोली मम्मी जी काम करो ना चुन चान गुंतू जी दुआ चुन की भर जा मन हाँ मन वह कट की दर्दी नहीं बतावे को नहीं सासू रोड़ा करेगी आप डांट मारेगी। तो वह उसकी एक दिन नहीं हुई फिर और उसके मंगलसूत्र ले गयो तो पास फिर कई दिन हो गया नहीं हुई
तो उसने विचार लगाए नहीं मन में आके कोई किम्मे चीज ले जा, हम आंकी कोई किम्मे ले जा है और यू करे के है इतनी चीजें को। तो उसने उसकी तहकीकात करनी शुरू कर दी, मतलब न्यू अभी वो के करे है, हाँ कित बरता है, उसके पीछे जाके ने जालसाजी करनी मतलब शुरू कर दी। हाँ बेरो पढ़ने को भी बेरो पढ़ना पड़ेगा इतना यू के करे है। हाँ और वह माँ माँ रोज उसने न्यू कहे के तो के नौकरी कोई बिजनेस कर ले, के तो कोई प्राइवेट नौकरी तो ले, सारा दिन गाना गाई गाना गाम तो हंड गो तो किस तरह काम चल लगो। उसके किम्मे फर्क ना पड़े, किम्मे फर्क ना पड़े तो फिर उस उन्हें बेरो पार्टी के भैया तो दूसरी लड़की गल लग गयो करण प्यार प्यू दे। तो सासू ने बहू ने बोली सासू ने माँ जी ये तो और लड़की पसंद कर रखी जाए, मैं क्या करूँ लग गई रोवन। तो वह सासू बोले न्यू किस तरह घर में तो यही रहेगी, तो ही रह गया घर में तो। सासू को पसंद थी, फिर बाद में वह दोनों मिलके खूब बढ़िया डाला रहा करती वे राजी राजी आसी जानी रही जानी। तो अरे सासू न्यू बेरो की भी जब आए गई तो इसका साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए भाई, अपने घर में भाई राजी राजी रहनी चाहिए, ना लायक तो बेटो ये था उसको। फिर न्यूल क्योंकि बात जिद बोली दूसरी शादी करा है तो और कोई कर रखी से इसने पसंद आ रहा, मन तो मेरी सारी चीज दे दी, मन तो मेरा सूट भी दे दिया और गुट्ठी भी दे, इस खातर मन के को नहीं करियो, इस खातर मन सब कम करियो, इसने जो मांगी वह चीज दी, गुट्ठी दे दी, फोन का पैसा भी दे दिया। हाँ तो फिर वह सासू बोली बेटे ने आके भाई के सुनू हूँ मैं, मतलब के सुनने लग रही हूँ तू दूसरी शादी करा है या बेटा गलत बात से। बोले माँ मेरे तो मन... नहीं हाँ तू दो दो। बोली बेटा एक फोन में दो सिम को घटाऊँ, एक कर आके सुतरी चल लगी बढ़िया। तो क्या न मान है ना, मेरे तो प्यार हो गया उस लड़की तो उससे गल शादी करूँ। तो दोनों सासू वो सोची हुई है तो मन तो कौन क्या मैंने क्या मैं और तरकीब सोचनी पड़ेगी खतर तू। तो दोनों ने अपने मिलकी ने एक प्लान बनायो, कोई जान पहचान का एक पांच सात आदमी बुला लिया, एक आधी औरत बुला ली और घर ने बैठा लिया बुला के दोनों बतला ली। बोली अपन जूठी जूठो ब्याह को वो ना टक्सो करांगा, अगर भैया ने देखना हो सब बेटा फिर ब्याह होगी तो और कराओगे तो यह घर में क्या करेगी और दूसरी तो जब आओगी जी घर तो जागी हाँ आँखों के करूँगी जिद दिखाया के कह गो यो मतलब आपकी गलती मान ली गो पछ। तो वो घर ना आयो तो बैठे आदमी और लुगाई बैठे रहा अपने सिंगरी खड़ी चा पानी पकड़ा। तो आके बोलियो माँ ये कौन है, तो बोलियो माँ बोली ये से मधु का रिश्ताला है, मधु का रिश्ताला मधु की के का रिश्ता किस तरह हो गया। तो बोले और क्या करूँ क्या करूँगी जब इसकी सास हूँ, अरे भाई तू दूसरी शादी करेगो तो इसकी माए सू मैं तो घर में ताकि माए सू मैं तो मैं मान तो मेरे सारे खिंदा दिया मेरे सारे खिंदा दी मान ली मैं इसकी माँ हूँ तो माँ हो कि इसने मैं घर ने क्यों कर बैठाऊंगी, तू दूसरी शादी कर लेगो तो इसने तो मैं ब्याहूंगी मैं या मेरी बेटी मान ली मैंने तो मैं अपनी बेटी ने घर में क्यों कराखूँ, बेटी ने तो मैं ब्याहूंगी जिद ये अन देखना रहा है और आके मैं शादी करूँगी और बैठ जा तू भी अणक दौर है। तो हाँ ना भाई को नहीं न्यूल तू बैठन का दौर है चाह पानी या पकड़ा उसे घर को आदमी भी चाहिए दौर है। हाँ तो वो सोचे एक बार तो नहीं उनका नहीं देखे मधु का निक सिंगरी खड़ी खूब चाह पानी पकड़ा हुआ बैठ गई उनका दौर है बैठ गयो। तो जिस छोरन वनी बना के लाया था ना कि भैया इसको पति बने वो लोग दी मतलब नाटक बनवाऊ था वो तो हाँ उस वो उसने नहीं बोले मतलब मधु का घर वाला ने अग भाई इसने के को नहीं आवा है इसने खाणु खुणु बनाने आवा है किके काम करना हो उसे जिन बोले सबके माँ आवा है करड़ी सी छाती करके ना आख मैं दुख मन मन यू करी कि मैं मतलब दुखी को नहीं हूँ इसकी साथ दिन देख के सोच के बोल सब के माँ है
सब के मावा खाणो खूण बढ़िया बना ले है। बोले और तो बोले तन्ने क्यों छोड़ दी, तन शादी क्यों ना तन राखी क्यों कोनी आई इतनी बढ़िया है। तो आपस में बात करती करती दोनों चिढ़ गया, मतलब बहुत तो मजा आप मतलब उसने छेड़ चढ़ाण को मारे हुए करे तो आ किसका दिखा कोई सी करंट लग गए उन छेड़न को मारे हुए करे तो। अरे वो अपने कूद कूद पड़े कूद कूद पड़े तो फिर बोले तुम न्यू करो अन सब के माँ वैसे। अरे एक नंबर की लड़की सा भर की लड़की दुनिया में कोई को नहीं। वो मधु को पति बोलियो तो बोले एक नंबर की सा तो तू क्यों छोड़ा ही इसने। बोले अन कोई छोड़ू मैं अन कौन छोड़ू मैं तेरी सन राखू वो तम न्यू करो तर जुत्ती चप्पल पैर और पारे जाओ उरा तक जाओ पारे हाँ तर घरी जाओ पारे ले उरा तक। तो फिर उनका नहीं होगी बोले ठीक सा हम तो चले जाऊँगा जानना तो जाए था वह की शादी करना था हाँ क्योंकि माँ न्यू करे ना भी टाइम ना क्यों बजाव है ये चले जाएंगा फिर इसने कौन ब्याह हो गो और घर ने मैं बैठा के क्या करूँगी और दो दो यहाँ मैं क्या दूसरी तो जब आओगी न तेरे जब यह करते जाएगी हाँ कमा की तो खुआओ कोई कमा की तो एक न भी कोई खुआओ और दो दो यहाँ क्या करूँगी और मन तो यह ब्याह नहीं सर न बजाओ मतने मैं तो इसकी मधु की शादी करूँगी इनके साथ जिन्हें हो लो ना माँ कोई नहीं करनी शादी ना मैं दूसरी शादी करूँ मैं तो मधु नहीं रखूँ वो हाँ। फिर बोले भी सोच ले कहते दो दिन बाद से फिर तू नहीं कहा आज मैं कौन रखूँ इसने आज मैं उसने रखूँ ले आऊँगी हाँ जिन्हें बोले ना माँ मेरी गलती होगी मेरी असर तो बड़ी गलती थी कि मैं यह बात मन में भी ले आयो दूसरी ने लेके आऊँगो मैं तो मधु नहीं रखूँगा और दूसरी की कदे बात भी मुँह को निकालूँ और इससे का साथ रहूँगो। जब वह दो सारा जब उसकी माँ ने उसको साथ दियो बहू को हाँ जब वो लाइन पर आ माँ भी नहीं कह देख जान दे नहीं मेरे के बस का है करेगा और रहेगा उस तरह रह जाएगा मानने तो ठीक से ना मानने तो ठीक से तो सारी उम्र दुखी हुए हैं। पर उसने आपका बेटा ने सबक सिखाने खातर उसने यह चाल चली बस जब वह सारा मिलकी ने आ रहने लग गया सब मान्यू करने लग जा तो सुधार भी हो जाए हाँ सारी वाणा ने राम राम कहानी पसंद आई हो सब्सक्राइब करियो कमेंट करियो।